Uh, आज हम जो है वो डिस्कस uh, करेंगे होम्योपैथी की वो एक ऐसी मेडिसिन जो जब भी कोई स्टूडेंट जब किसी कॉलेज में दाखला लेते हैं तो सबसे पहले जब वो अपनी किताब खोलते हैं तो जो मेडिसिन उसके सामने आती है दैट इज़ एकोनाइट नेपलेस रहीकुम मेरा नाम डॉक्टर अहमद एजाज है और मैं सिमली होम्यो क्लिनिक से भटवाल से आपसे महातब हूँ आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे होम्योपैथी की वो एक ऐसी मेडिसिन जो जब भी कोई स्टूडेंट जब किसी कॉलेज में दाखिला लेते हैं तो सबसे पहले जब वो अपनी किताब खोलते हैं तो जो मेडिसन उसके सामने आती है दैट इज़ एक्ोनाइट नैपकस और एकोनाइट के बारे में हम चंद ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि जो हम मतलब हमारी जो डेली प्रैक्टिस है उसमें हमें काम आती हैं और ये जो हम वीडियो बना रहे हैं इसको बिल्कुल सादा जो है वो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाएगी ताकि जो अवामनाज हैं वो और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं डॉक्टर्स ऑलरेडी जानते भी हैं लेकिन वो एक रिकॉल जो है वो उनको भी हो जाएगा तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं तो हम अगर हम एकोनाइट की जब हम बात करते हैं तो वो तमाम बीमारियाँ जो सोज से पैदा होती हैं यानी तमाम इन्फ्लमेटरी डिजीजें मतलब सर से लेके पाँव तक अब इन्फ्लेशन के है, सारे दोस्त जानते हैं कि इन्फ्लमेशन के अंदर फाइव जो थिंग्स हैं वो कंटेन होती हैं कि सबसे पहले जो है वो जब भी कहीं पे भी कोई इन्फ्लमेशन होगी कि वहाँ पे जो है वो रश ऑफ ब्लड जब होगा तो वो जगह जो है वो रेड होगी जब वहाँ रेडनेस होगी तो ज़ाहिर है जब ब्लड जाता है तो ब्लड जो है वो गर्म होता है वो हीट वहाँ पर होगी तीसरी बात जो होगी वहाँ पर ये होगा कि वो स्वेलिंग होगी चौथी बात क्या होगी पेन होगा और जो पाँचवीं बात है लॉस ऑफ फंक्शन होगी कि अगर किसी जगह पे कोई इन्फ्लोमेशन हो जाती है तो ज़ाहिर है कि पांच जो सिम्टम्स हैं ए, उस वक्त जब आते हैं इसको हम इन्फ्लोमेशन कहते हैं इन्फ्माेशन को हम उर्दू में सोसिश कहते हैं और ये जो, जो डिफेसन है इन्फ्लॉशन की ये भी यूनानी जो लोग हैं उन्होंने दी है और आपने देखा होगा कि जब भी हमको मेडिकल की बुक या दुनिया की बहुत सारे जो सब्जेक्ट जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमको लेटिन जो है वो अपड्रिवेशन जो है वो नज़र आती है। तो ये भी उनका शुक्रिया के उन्होंने हमें ये जो डिफेनेशन है वो दी तो तमाम इन्फ्लोमेटरी जो डिजीज़ हैं उनके अंदर जो फर्स्ट मेडिसिन जो है एक्यूट कंडीशन के अंदर जब आती है तो मारेजन में जो फर्स्ट मेडिसिन आती है दैट एकोनाइट। अब एकोनाइट को आप होम्योपैथिक की जो है वो आ, मतलब जिस तरह एलोपैथी में एस्प्रिन इस्तेमाल होती है एसाइल्सलिक एसिड तो उसका जो नेचुरल जो जो है उसका आप सब्सिट्यूट कह सकते हैं और उससे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव यानी कि जो पसीना ओवर और जो एंटीफमेट्री जो, जो फर्स्ट लाइनथ्राफीज़ के तौर पर तो वो हमारी एकोनाइट है अब अगर हम बात करें कि जी ये कौन कौन सी जो इमराज हैं उन पर काम करती है तो वो तमाम फीवर्स स्वाए टाइफाइड के टाइफाइड के अलावा जितने भी आ, मतलब हा, हाई ग्रेड फीवर्स हैं उनमें आपकी जो फर्स्ट एस है वो एकोनाइट होनी चाहिए उसके अलावा जो हमारा हेडिक है उसमें नमूनिया के अंदर ड्राई कॉफ है इवन अगर हमारे जो दांत हैं उनमें दर्द है या सिस्टाइटस हो गया है उसके अलावा आर्काइटिस हो गया है। और इवन कार्डियोवास्कुलर जो डिजीज हैं स्पेशली हार्ट के साथ रिलेटेड हैं इवन हार्ट की जो इन्फ्लमेटरी जो कंडीशन हैं वो आप देख लें उसके अलावा जो गुर्दे के जो दर्द हैं उसमें इवन पैरालस मतलब फॉलेज हो गया किसी को लेकिन एक्यूट कंडीशन जो ही फॉलेज हुआ अगर आपने एकोनाइट दी तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि वो रिकवर मतलब कर सकता है उसके अलावा नज़रा जुकाम आपने देखोगे कुछ लोगों की तबीयत होती है ज़रा सी थोड़ा सा मौसम तब्दीली हुआ और उनको नजर जो स्टार्ट हो जाता है तो उनके बीच जो फ़र्स्ट मेडिसिन है दैट इज़ एकोनाइट नेपलेस उसके अलावा जो है वह अगर मौसम तब्दील होता है और उसके साथ जो है वो जो है डायरिया है डायसेंट्री अगर स्टार्ट हो जाती है तो उसकी भी जो फर्स्ट जो मेडिसन है वो हमारे पास जो फर्स्ट लाइन जो थ्रापी के तौर पे जो काम मेडिकेशन के तौर पे जो काम करती है दैट इज़ एकोनाइट नैपलिस अच्छा मिजल्स हो गए वायरल इन्फेक्शन हो गए कंजेक्टिवाइटिस हो गए तो जो फर्स्ट मेडिसिन होगी हमारी वो एकोनाइट उसके अलावा अगर हम इसकी मखसूस जो सिम्टम्स हैं अगर उनकी बात करें तो इसमें चंद जो बड़े बड़े सिम्टम्स हैं उन, उनको मैं एक एक करके जो है वो आपसे डिस्कस करूँगा पहली बात तो यह कि एकोनाइट की जो तमाम इलाम हैं या तमाम तकलीफ कहना चाहिए वो तमाम जो है वो शाम के वक्त जो है वो पीक पर होती हैं यानी उनके अंदर एग्रवेशन हो जाती है फिर मौत का खौफ आपने देखा होगा कि एनजाइटी या पैनिक अटैक्स में मौत का खौफ जो है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है अगर फौरी तौर पर किसी को भी पैनिक अटैक हुए तो एकनाइट इज़ योर फर्स्ट मेडिसिन उसके अलावा उसमें किमें कल तक मर जाऊँगा या मर जाऊँगी अच्छा फिर इसमें जो रेस्टलेसनेस है बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर इतनी बेचैनी होती है कभी वो लेटता है कभी वो खड़ा हो जाता है कभी टहलता है यानी उसको आराम नहीं आता यार वो पोजीशन जो है वो बार बार तब्दील करता रहता है तो अगर इस इस कंडीशन में पेशेंट आता है तो एकोनाइट की ये जो तीसरी जो मखसूस इसके जो सिम्टम है वो ये है उसके अलावा आपने देखा होगा कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं उनको बुखार भी होता है लेकिन वो अपने ऊपर जो कपड़ा ओढ़ना है ना उनको जो है वो उससे नफरत करते हैं और वो मतलब है कि उनको ये पसंद नहीं है उसके अलावा इसमें जो मोस्ट पॉपुली जो बुखार के जो दर्जा अरारत है वो एक सौ चार एक सौ पाँच इसकी जो फीवर्स हैं वो रहते हैं फिर इसकी जो आपने देखे ना कि जो ही आप कोई कैंडल है आप उसको जलाते हैं तो वो अचानक हल्की सी अचानक शिद्दत अख्तियार कर देती है तो वो तमाम बीमारियाँ जिन में जो शिदत है वो मतलब अचानक वो भड़क उठें और बहुत ज़्यादा सिम्टम्स जो हैं वो बॉडी के ऊपर अपीयर हो जाए तो उसमें आपकी जो फर्स्ट है दैट इज़ एकोनाइट उसके अलावा अगर हम होम्योपैथिक मटेरिया मेडिकल को देखें तो ज़्या मेडिसिन जो प्रिस्क्राइब की जाती है उसमें ज़्यादा बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको मद्देनज़र रखा जाता है उसमें ये एक चंद चीज़ें ऐसी हैं कि इस अगर एक पेशेंट आपके पास आता है और आप समझते हैं यार एकोनाइट के तो उसमें ऐसी भी होगा कि चंद चीज़ें उसको उसकी क्रेविंग होगी और चंद चीज़ें जो है उसको बुरी लगेंगी अब क्रेविंग किसकी होगी यानी उसको मतलब ख्वाहिशात किसकी होगी शराब पीने का दिल करता है और जो कड़वी और इस तरह की जो चीज़ें हैं जिनका टेस्ट बहुत ख़राब होता है दिल करते हैं कि उनको खाएँ और नफरत किससे होगी खाना खाने से नफरत होगी रोटी खाने से कोई भी गज़ा खाने से और जो लाइट है ना उससे भी नफरत होगी वो बंदा जो पेशेंट जो है वो चाहेगा कि वो जो अंधेरा है उस पर लेट जाए अच्छा अब हम जो हमारी बॉडी की जो मुख्त आर्गन है उन पर जो एक्नाइट के जो इफेक्ट है अब हम उसके बारे में बात करेंगे आपने ऐसे पहलवान देखे होंगे ऐसे बहुत मोटे लोग देखे होंगे कि जो बलगमी मिजाज के होते हैं लेकिन अगर आप उनको देखें तो आपको लगता है वो बहुत बहादुर और बड़े ज़बरदस्त किस्म के लेकिन अगर आप उनको थोड़ा सा कोई मुश्किल फैस आ जाए या कभी लड़ाई करनी पड़ जाए तो वो भाग जाते हैं यानी तब डरपोक लोग ये इसकी जो इफेक्ट हैं माइंड के ऊपर फिर अभी देखें कि जो सर है यानी कि हेड है जो उस पर भारीपन के साथ से ग्रानी फील होती है और सर दवा जो है वो नगवान गुजरती है जो ही ठंडी हवा लगी और बस सर दर्द स्टार्ट हो गया और तबीयत खराब हो गई अब अगर हम आई की बात करें तो जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि कंजक्टिवाइटिस जो है उसमें एक्यूट कंडीशन ऑफ़ एनी इन्फ्लोमेट्री जो डिजीज़ है वो एंटी वायरल जो डिजीज है जब भी कोई इन्फ्लमेटरी आपकी बीमारी स्टार्ट होती है और उसकी जो फर्स्ट मेडिसन है वो एकोनाइट है फिर जो एयर है अब आप उसमें आपने देखा होगा बच्चे जो हैं फौरी जो है वो कान में दर्द स्टार्ट हो गया और चीखना चलाना शुरू कर दिया और बिल्कुल रेडनेस जो वही इन्फॉर्मेशन की जो फाइव सिम्टम्स मैंने अभी आपसे शेयर किए हैं वो सारे आ जाते हैं और चेहरे पर खास बात है कि अगर आप इस इस तरह की जो एकोनाइट की जो पेशेंट है ना अगर आप उसका चेहरा देखेंगे तो आप उसको फेस को देखेंगे आपको लगेगा कि उसका एक गाल जो है वो रेड है और जो एक गाल है वो आपको येलो जो है वो नज़र आएगा और मोस्ट प्रॉब्लली ये है कि जो एकोनाइट है वो लेफ्ट साइड जो है वो उसका अच्छा इफेक्ट है जो बहुत अच्छा इफेक्ट है फिर आप ये देखें कि वो राइट right साइड पे जब भी ये मरीज़ लेटेगा इसकी जितनी भी लमहत है उसमें इजाफा होगा लेफ़्ट साइड मतलब है कि वो मोस्ट प्रॉब्लली कोशिश करते हैं कि लेफ़्ट साइड पर लेटे क्योंकि उसको दबाव का एहसास होता है अच्छा फिर अगर ठंड है और ठंड के साथ ये है कि मुसलसल जो है आज देखो बसायरे जब भी मतलब ठंड होती है या कोई इस तरह का मौसम होता है तो जो पेशाब है उसकी बार बार जो है वो हाजत होती है और बंदा बार बार जाता है चूँकि जो, जो मसाना है वो सकड़ता है या दूसरी कैफियत यह हो सकती है कि ठंड की वजह से जो है वो तशन्जी कैफियत पैदा हो जाए हमारे मसाने के अंदर और वो बिल्कुल उसको रोक दे नहीं ठंड के साथ पेशाब बिल्कुल बंद हो जाए एकोनाइट जो है आपकी फ़र्स्ट मेडिसिन यहाँ पर बनती है फिर अगर आ, मतलब है कि एबडामिनल क्रैम्प्स पड़ रहे हैं और जो बचे हैं स्पेशली गर्मी गर्मी है और गर्मी के साथ उनको जो है इसाल इस वगैरह स्टार्ट हो गए तो उसकी दवाई भी जो है एकोनाइट है अब यहाँ पे जो क्रॉनिक है एकोनाइट का यानी आप एकोनाइट का पेशेंट जब क्रॉनिक हो जाता है तो उस वो जो शिफ्ट हो जाता है वो सल्फ़र पर हो सकता है सल्फ़र हमारी एक और मेडिसन है उगे थी कि और इसकी जो बेस्ट माउन मेडिसन है वो भी सल्फ़र है अच्छा ये हमारी फर्स्ट मेडिसन थी जो मैंने आपसे डिस्कस की है और मैंने जो तरीक़ाकार है उसको बहुत आसान और सादा रखा है अगर आपको ये पसंद है तो आप हमें ज़रूर कमेंट्स करें और अगर आप चाहते हैं कि कोई और किसी और हम दबाव पे बात करें और किसी और चीज़ को हम डिस्कस करें तो आप ज़रूर हमें बताइएगा ये जो है वो आपके लिए आज के लिए इतना ही थैंक यू वेरी मच